नमस्कार 150 गांव 150 खबर में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली खबर पूर्णिया से, आइए शुरुआत करते हैं। पूर्णिया के बलू टोला गांव से प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क काफी जर्जर है, जरूरत है इसकी मरम्मत की ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। पूर्णिया के धमदाहा मुख्य चौक पर एक बुजुर्ग बेहोश होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्णिया में नेशनल हाईवे 31 पर वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन से विदेशी शराब और देसी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। विकास विद्यालय डुमरी में एसपी आदित्य कुमार, एएसपी मिथिलेश कुमार, सदर एसडीओ जनार्दन कुमार एन मौके पर सम्मानित किए। भगवानपुर में 9 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा ज्ञान और यज्ञ और सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया गया। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े कारोबारी संजीव सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने लाइनर की भूमिका अदा कर रहे कोर्ट के मुंशी चीपू कुमार को गिरफ्तार किया। बलिया प्रखंड क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत के कमालपुर दियारा में श्री महाविष्णु यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बलिया प्रखंड मैदान में आयोजित तरंग प्रतियोगिता में घोर लापरवाही सामने आई है। बच्चों ने बताया कि हम लोगों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि प्रखंड स्तर पर इस प्रतियोगिता को लेकर सरकार द्वारा 20,000 रुपए। भागलपुर के नारायणपुर में एक्सपायरी दिल रंजन दालमोठ बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर नवगछिया के बाजार में दालमोठ को लाया गया। भागलपुर के नवगछिया में कल जज संतोष कुमार पर हमले के बाद आज दूसरे दिन भी वकीलों ने न्यायिक काम को ठप रखा। भागलपुर के सरपंच पति सीताराम को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में सीताराम यादव को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर के कहलगांव में पुलिस ने फर्जी डिग्री को लेकर क्लिनिक चला रहे 8 डॉक्टरों के ठिकानों पर छापा मारा। 4 क्लिनिक को सील किया गया। बक्सर के सिकरौल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि होली को लेकर शराब की खेप जमा की जा रही थी, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुरानसराय थाने के माठीला गांव से लापता बच्ची का शव गांव से मिलने के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि पहले से ही कार्रवाई में पुलिस ने ढील दी है, बच्ची की मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया। नावानगर थाने की पुलिस ने इलाके के मुसहरी डेरा में कार्रवाई करते हुए जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई देसी शराब बरामद की है और मौके पर ही उसे नष्ट भी कर दिया। सिमरी थाने के चुन्नी डेरा गांव में अपराधियों ने दरोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गांव में कोहराम मच गया। वाहन चेकिंग के दौरान इटाढ़ी थाने पुलिस ने 150 शीशी देसी शराब बरामद की है। तस्कर की तलाश जारी। कलेर प्रखंड के कांता पंचायत के कई गांव और टोले आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी कई गांवों और टोलों में बिजली नहीं पहुंच पा रही। बंशी प्रखंड के कई पंचायतों में सिंचाई करने के लिए नहर तो बनी है लेकिन इस्तेमाल में नहीं ली जाती। सिंहवाड़ा प्रखंड के आजाद चौक पर खिलाड़ियों को मददगार का इंतजार है। खिलाड़ियों ने एक स्वर में कहा है कि अगर प्रोत्साहन मिले तो ग्रामीण खिलाड़ी भी अपना लोहा मनवाएंगे। केवटी के रामेश्वरनाथ धर्मशाला परिसर में संत रविदास के अनुयायियों ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन रविदास पावर टावर के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में विहार संयोजक राकेश दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बिरौल प्रखंड क्षेत्र में कई समस्याओं को लेकर एकजुट हुए सभी दल के नेता, विकास नहीं होने पर किया जाएगा विधायकों का घेरा। सदर प्रखंड के कबीरचक पंचायत के गढ़िया गांव में श्री 108 सीताराम महायज्ञ में दूर दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु। महायज्ञ 25 फरवरी तक जारी रहेगा। सदर प्रखंड के छोटाई पट्टी पंचायत में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। मुखिया अमरजीत कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर धरना दिया। बेनीपुर में एक चोरी कांड में एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष शशिकांत सिन्हा ने बताया कि मधुबनी जिला के
अंधराठारी से गिरफ्तार अपराधी के तरफ से कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया। सिंहवरा में लाश के पास से मिला सुसाइडर नोट पर मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। सिमरी थाने के कुंवरपट्टी चौक में मिली पेड़ से लटकती युवक की लाश, लाश मिलने से इलाके में सनसनी। दरभंगा के बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित सभी 6 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीओ मोहम्मद शफीक और एसडीपीओ सुरेश कुमार ने केंद्रों की जांच की। बगहा के मधुबनी प्रखंड के धनहा पंचायत सरकार के साथ निश्चय योजनाओं के तहत कार्य जोरों पर है। बालू मिट्टी गिराकर ग्रामीणों के घरों में शौचालय निर्माण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। बगहा में 2 प्रखंड और मधुबनी प्रखंड के बीच छठिया घाट को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास करीब 6 करोड़ की लागत से किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि और सरपंच संघ के अध्यक्ष जगन्नाथ यादव ने पूजा अर्चना कर इस पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत की। बगहा के भितहा प्रखंड में पीपी तटबंध पर हो रहे निर्माण कार्य में बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा है। निर्माण एजेंसी स्कूली बच्चों से बाल मजदूरी कराकर बालू और सिल्ट की बोरियां भरवाने में जुटी हुई हैं। बगहा के अनुमंडल मैदान में 2 दिवसीय कृषि किसान मेले का आयोजन किया गया है, जहां खुद जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह किसानों को उन्नत खेती के टिप्स बता रहे हैं। बगहा के चौतरवा में मुख्य सड़क जर्जर है, जिससे आने जाने में यात्रियों और वाहनों को खासा परेशानी हुई। बगहा के मधुबनी प्रखंड में पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां निर्देश के बाद पुलिस होली को लेकर शराब तस्करों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड में कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर अर्चना ने 5 से लेकर 12 साल के बच्चों को घर जाकर आहार के बारे में जानकारी दी। सराय रंजन प्रखंड में नल जल योजना का शुभारंभ किया गया। सराय रंजन प्रखंड प्रमुख वीणा कुमारी ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रमुख वीणा कुमारी ने कहा कि नल जल योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। समस्तीपुर प्रखंड के सरकारी बस पड़ाव पर पशुपालक किसानों की 3 सूत्री मांगों को लेकर पशुपालक किसान सेवा संघ के संयोजक पिछले 18 फरवरी से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। कल्याणपुर प्रखंड के भागीरथपुर में न्यू पॉपुलर इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने 13 दिन पहले हुए 7 साल की छात्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रोसड़ा थाने के रोसड़ा बाजार से पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट के नाम पर शराब की सप्लाई करके 3 तस्करों को 20 लीटर विदेशी शराब के साथ एक ट्रक जब्त किया है। परसा में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय मारुति नंदन महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, यज्ञ स्थल से हरपुर परसा, दारोगा राय चौक, मुख्य बाजार, मोझी खजौली चौक होते हुए यात्रा पोखरा में जाकर संपन्न। बनियापुर थाना कमाता गांव में एक युवक की हत्या, तेज धारदार हथियार से कर दी गई हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जाता है। डीएम ने पंचायत सचिवों को लगाई फटकार, तरैया प्रखंड मुख्यालय से मंगलवार की दोपहर बाद एकाएक पहुंचे सारण डीएम हरिहर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नल जल योजना के कार्यों की जानकारी दी। मढ़ौरा अनुमंडल में मैट्रिक की 11 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू हुई, परीक्षार्थियों में उत्साह देखने को मिला। तरैया में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। तरैया के डंगरिया बाबा स्थान से कलश यात्रा निकाली। तरैया के रामबाग के पास स्टेट हाईवे 73 पर ऑल्टो कार और पिकअप वैन की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती रात बाइक पर सब मालवाहक वाहन में टक्कर के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पटना पीएमसीएच रेफर किया। मृतक और घायल रिश्ते में ममेरे और सफेरे भाई बताए जा रहे हैं और सिंघिया पंचायत के फरदा गांव के रहने वाले। मुंगेर में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन कृषि टास्क फोर्स और चंडिका स्थान मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर बैठक। आंतरिक संसाधन के तहत मापतोल वन प्रमंडल और सहकारिता ने 118%, 68% और 92% के राजस्व की वसूली। सदर प्रखंड के कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिले में जैविक खेती करने को लेकर 24 क्लस्टर का चुनाव किया गया है। इस योजना में लगातार 3 साल तक कार्यक्रम चलेगा और खेतों के बीच से जैविक उन्मुखीकरण का
प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए क्लस्टर के किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जमालपुर में रेल थानाध्यक्ष कृपा सागर की टीम ने सुपर एक्सप्रेस ट्रेन से एक बार फिर 41 बोतल देसी और विदेशी शराब बरामद की। सर्च अभियान के दौरान जनरल डिब्बे से बरामद हुई शराब, रेल थानाध्यक्ष कृपा सागर ने की कार्रवाई। अनुमंडल अनुश्रवण समिति की मैराथन बैठक तारापुर अनुमंडल सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समीक्षा क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने की। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के बाद विधायक ने कहा कि शौचालय निर्माण के उपरांत लाभुकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान की समीक्षा की। संग्रामपुर के भूपनारायण मिश्रा ट्रस्ट और नवयुवक सेवा संघ के तत्वाधान में 155 छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण हुआ। इससे पहले राजेश मिश्रा के पिता भूपनारायण मिश्रा द्वारा तीनों विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को चादर, टाई और कलम देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजेश मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा के विकास के साथ साथ नए नए रोजगार का सृजन कर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। बिंदवारा के अवधूत एकेडमी की ओर से स्कूल के कंगारू केयर मैदान में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट प्रतियोगिता का आयोजन किया। मौके पर मुख्य अतिथि मुख्यालय डीएसपी संजीव कुमार रहे। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संजीव कुमार ने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बाढ़ प्रखंड के बलीपुर मध्य विद्यालय के संचालित प्राथमिक उर्दू विद्यालय कजमुनी चक का हाल बुरा है। विद्यालय में महज 22 बच्चों की उपस्थिति पर 3 शिक्षक मौजूद रहते हैं। बख्तियारपुर प्रखंड के सतभैया, हरदासपुर, काला दियारा, चिरैया दयाराम इलाकों में गांव के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इलाके में सड़क का अभाव। हर रोज लोग नाव पर अपनी जान को खतरे में डालकर आना जाना करते हैं। पीपा पुल चालू नहीं होने के चलते लोग काफी परेशान हैं। बाढ़ और बेलछी प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में किसानों के पटवन का हाल बेहाल है। यहां के किसान सरकारी नलकूप को ठीक करवाने की मांग करते हैं। कार्यालय जाकर लोग यूं ही लौट आते हैं और मजबूरन अपने स्तर पर कृषि कार्य में पटवन का काम करना पड़ता है। पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत लोगों ने पंचायत भवन में बैठकर पूर्व मुख्य रणवीर पंकज के नेतृत्व में बैठक की। गांव के कई गणमान्य लोगों के द्वारा जिला पार्षद मध्य से होने वाले विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हुए पंचायत को और भी सही तरीके से साधन संपन्न बनाने की बात कही। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के महामंत्री अरुण पासवान आज बाढ़ प्रखंड के नवादा गांव की स्थिति लालाबाकी अपने आवास पर। आपको बता दें कि उनका भव्य स्वागत किया गया। रेल विभाग में माल गोदाम के मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। मोकामा प्रखंड के मराची ताल के इलाकों में गैस पाइपलाइन बिछाए जाने के चलते किसानों की हरी भरी फसल को बर्बाद किया जा रहा है। ये काम फसल कटाई के बाद भी किया जा सकता था। किसानों ने गैस पाइपलाइन कंपनी का कड़ा विरोध करते हुए काम को रोक दिया है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पंडारक प्रखंड का अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद ही रहता है। 6 बेड वाले अस्पताल का हाल बुरा है। पंचायत के युवा मुखिया रणवीर पंकज का कहना है कि गांव आदर्श होने के बावजूद भी बदहाली के आंसू रो रहा है। बाढ़ प्रखंड के काजीचक मोहल्ला स्थित टीवीएस पुष्पक दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह दुकान आने पर दुकानदारों को चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बाढ़ प्रखंड के धनवा मुबारकपुर पंचायत के कई महादलित गांव में बिजली की घोर अभाव है। हालात ये हैं कि बिजली विभाग द्वारा सड़क किनारे नए ट्रांसफार्मर को कई महीनों से यूं ही रखकर छोड़ दिया गया, लिहाजा ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ता है और बिजली न होने से बेहद परेशान है। मोकामा के मरांची गांव के सैकड़ों किसानों ने जगदीशपुर हल्दिया बरौनी गैस पाइपलाइन का काम ठप कर दिया है और जमकर हंगामा किया। किसानों की शिकायत है कि उनकी तैयार फसल बिना नोटिस दिए ही बर्बाद की जा रही है। पाइप बिछाने के नाम पर हजारों एकड़ में लगी दलहन की फसल को बर्बाद किया गया। बाढ़ के अगवानपुर पंचायत इलाके के मुकीमपुर गांव में दबंगों ने एक दलित महिला की फसल को कीटनाशक डालकर बर्बाद कर दिया। दरअसल महिला का आरोप है कि दबंग सड़क के किनारे उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं।
पीड़ित महिला के मुताबिक दबंगों ने सड़क के किनारे उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब उसके खेत पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और महिला ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसकी करीब 2.5 बीघा फसल को बर्बाद कर दिया। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के बाहर लगातार अतिक्रमण का दौर जारी है। इसे लेकर स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नालंदा उच्च विद्यालय के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक लड़की की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने के पास शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। नवादा के नगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। दरअसल शादी के ऐन मौके पर दूल्हे की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि सब कुछ अपने तय कार्यक्रम से हुआ। दूल्हे को जयमाला से लेकर गाल सिकाई तक हुआ, लेकिन मंडप में पहुंचते ही दूल्हे सुधीर चौधरी को तबीयत उसकी बिगड़ गई। लड़के के परिजनों के मुताबिक सुधीर जैसे ही मंडप में पहुंचा उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो तेजी से काम करने लगा। वैशाली में लीची बगीचे से युवक का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध हालत में बरामद हुआ शव। इस मामले को लेकर संज्ञान में लेकर पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। गोराल थाना क्षेत्र के हरसेर गांव का मामला है। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र के बंगालगढ़ गांव से यह मामला है, जहां शराब के नशे में दो गुटों में जमकर झड़प हो गई। मारपीट में दोनों गुटों के करीब 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में चूर लोगों ने पुलिस के सामने भी जमकर लाठी डंडे चलाए। नवादा में यात्रियों से भरी मैजिक गाड़ी पलट गई। हादसे में 20 परीक्षार्थी घायल हो गए। इस हादसे में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कादिरगंज थाने के माया बिघा के पास हुआ। सिवान में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 1 की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसा बढ़हरिया थाना क्षेत्र के करबला बाजार के पास हुआ। मुंगेर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए डॉक्टर ने पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना सफियाबाद थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव की बताई जा रही है। मृतक का नाम आकाशदीप बताया जा रहा है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने सफियाबाद थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और मृतक के शव को सदर अस्पताल ले जाया गया। मैट्रिक परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए बोर्ड के तरफ से वीक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन पटना के मिलर स्कूल में वीक्षक ही लेट पहुंचे। परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होनी थी। आपको बता दें कि वीक्षक खुद 9:30 बजे के बाद पहुंचे। इस दौरान जब सवाल पूछे गए तो कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। बेगूसराय में इंटर की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। मृतक छात्रा जया कुमारी के पिता दिलीप गुप्ता ने खुलासा किया है कि जया की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। दरअसल जया ने पिछले साल इंटर की परीक्षा दी थी, जिसमें वो फेल हो गई थी। इस साल जया ने फिर से परीक्षा दी, लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ और इसी डर से कल शाम उसने फांसी लगा ली। गिरफ्तार ज्वाइंट कमिश्नर रामबाबू गुप्ता ने दी सफाई। युवती के आरोपों को रामबाबू गुप्ता ने बताया निराधार। वैलेंटाइन डे पर फेसबुक पर फोटो लगाने पर भी लगाई थी फटकार। देवघर के जसीडीह स्टेशन पर दर्जन भर टिकट खिड़कियां होने के बावजूद सिर्फ 1 ही खिड़की खोलकर टिकट बेची जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। देवघर के मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशी तय करने के बारे में विशेष चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। देवघर मधुपुर पुलिस प्रशासन और योर्स क्लब के द्वारा एसएस एजुकेशन में आयोजित जागरूकता शिविर, जिसका मुख्य विषय साइबर अपराध, ट्रैफिक नियम और छात्रों में शिष्टाचार रखा गया था। देवघर के सारठ में 2 छात्र साइबर अपराधियों को जेल भेजा गया है। छापेमारी की गई थी। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। पिता के खाते से लाखों का ट्रांजैक्शन किया गया था। देवघर के सारठ प्रखंड के सभागार में सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने बच्चों पर ध्यान देने और उनकी गुणवत्ता में विकास के लिए अपना समर्थन दिखाने की बात कही। देवघर के वीर कुंवर सिंह चौक पर प्रज्ञा संचालकों ने 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया। प्रज्ञा संचालकों ने कहा कि सरकार की मनमानी रवैये के कारण इनकी हालत पद से बदतर होती जा रही है। पूर्व मंत्री और सांसद जोरावर राम ने भूमि माफिया की गिरफ्तारी के लिए मेदिनीनगर में धरना दिया और जिला प्रशासन से गिरफ्तारी के लिए मांग की। तरहसी प्रखंड में बिना बिजली जलाए 99 लोगों का बिजली बिल आया। वहीं ग्रामीण पलामू उपायुक्त से बिजली बिल मुक्त करने की गुहार भी लगाई। सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा नावा बाजार थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी।
डाल्टनगंज मेयर पद की उम्मीदवार गीता देवी ने प्रेस वार्ता की, कहा अगर जनता हमको चुनती है तो मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगी। रांची के बुंडू अनुमंडल का वार्ड नंबर 10 का फुलवारी टोली, जिसकी पहचान आज नशा मुक्त बस्ती के रूप में बन गई है, उग्रवाद और नक्सलवाद के साए में है बुंडू अनुमंडल। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना देने की तैयारी में जुटे जेवीएम जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा। खूंटी पुलिस के द्वारा अफीम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 21वें दिन भी जारी रहा और खूंटी और मुरहू के जंगल इलाकों में करीब 70 एकड़ में अवैध तरीके से की गई फसल को नष्ट किया गया। रांची के बुंडू इलाके के युवकों ने खुद के पुस्तकालय का निर्माण कर अपने भविष्य संवारने लगे हैं, कभी यहां के लोग शराब के नशे में डूबे रहते थे। खूंटी जिले के नगर पंचायत की महिला मंडल की महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की राह पर चल पड़ी हैं, झारखंड सरकार के प्रति महिला समूह को 10,000 की रकम दी गई। भवनाथपुर प्रखंड के अरसली दक्षिणी पंचायत के ग्रामीणों ने मंगलवार को बीडीओ विशाल कुमार को आवेदन देकर पीडीएस दुकानदार पर राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। राज्य में पहली बार झारखंड अधिविद्य शिक्षा परिषद रांची द्वारा ली जाने वाली 8वीं बोर्ड की परीक्षा भवनाथपुर प्रखंड के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रारंभ हुई। प्रखंड मुख्यालय के बाजार स्थित नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे अनुष्ठान के चौथे दिन मां दुर्गा नगर भ्रमण पर निकली। आकर्षक ढंग से सजाए गए रथ पर सवार मां दुर्गा की एक झलक पाने को लेकर श्रद्धालुओं का हुजूम सड़क पर उमड़ पड़ा। रंका प्रखंड के सभी सरकारी मध्य विद्यालयों में वर्ग 8 के वार्षिक बोर्ड परीक्षा आज से प्रारंभ हुई। इस संबंध में रंका प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी संतोष कुमार दुबे ने बताया कि परियोजना झारखंड के सरकार के निर्देश पर 8वीं बोर्ड का परीक्षा कदाचार मुक्त ली जा रही है। परीक्षा लेने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और परीक्षा होने के बाद बीआरसी के आदेश पर कॉपियों की जांच होगी। कांडी प्रखंड के 4 पंचायत बुलियारी पतिला गाड़ा खुर्द और करौंधा में 24 फरवरी को पेंशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख नीतू पांडे ने कहा कि एसडीओ प्रदीप कुमार ऑन द स्पॉट स्वीकृति प्रदान करेंगे। कांडी प्रखंड के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में राणा डी पंचायत मुखिया कृष्णा दास ने 565 जरूरतमंदों के बीच मेडिकेटिव मच्छरदानी का वितरण किया। मुखिया ने कहा कि डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए नियमित मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। कांडी में आयोजित 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा में कांडी प्रखंड के 1489 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस वार्षिक परीक्षा में सैकड़ों शिक्षकों समेत बीआरसी और वीआरपी और सीआरपी को लगाया गया। बीपीओ वीरेंद्र प्रसाद ने कई परीक्षा केंद्रों की जानकारी ली, जायजा लिया। भवनाथपुर के सिंदूरिया पंचायत के विगत एक पखवाड़े से बंद सीएसपी मंगलवार को बीडीओ के आदेश के बाद खुला। सिंदूरिया मुखिया राजेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री के आदेश से पंचायत भवन में विगत कई वर्षों से चलने वाले सीएसपी संचालित कमरे को दबंगई दिखाते हुए ताला लटका दिया था। बता दें कि एसबीआई सीएसपी संचालक प्रखंड कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक मुखिया राजेश गुप्ता द्वारा बार बार सीएसपी संचालन के बदले राशि मांग करने वाले गाली गलौज करने की शिकायत की। प्रखंड में 8वीं बोर्ड की परीक्षा सभी मध्य विद्यालय में प्रारंभ हो गई है। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त संपन्न हुई। परीक्षा सभी 40 मध्य विद्यालयों में ली जा रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से सफल और कदाचार मुक्त संचालन के लिए विभिन्न विद्यालयों में 90 वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत मुस्कान नैन्सी स्किल ट्रेनिंग सेंटर में कौशल रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में झारखंड चेन्नई छत्तीसगढ़ और कोलकाता से कई कंपनियां पहुंची थी। कई युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन भी दिया। कर्माटांड थाना क्षेत्र के हेट कर्माटांड में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर होरन मंडल के घर में इस त्योहार को चिपकाया। कुंडहित प्रखंड के मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। नारायणपुर प्रखंड के कई गांवों में स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय में 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जामताड़ा के नाला प्रखंड के बीडीओ सुनील प्रजापति ने प्रखंड के रानीडीह गांव में जाकर लोगों को शिक्षित करने का संकल्प लिया। सेना प्रखंड के बुमध्य विद्यालय परिसर में 25 फरवरी से जागरूकता शिविर मेले का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त शिविर में लोगों की समस्याएं दूर की जाएंगी। लोहरदगा में रक्तदान करने के लिए राम समिति और युवा शक्ति के सदस्यों की एक बड़ी टीम हमेशा तैयार मिलती है। मानव सेवा के लिए तैयार युवकों ने रक्तदान कर सदर अस्पताल में इलाजरत 2 मरीजों को नया जीवन दिया। लोहरदगा में ब्लड बैंक को खून की कमी से बीमार मरीजों के लिए सदैव खड़ा रहता है जय श्री राम समिति और युवा शक्ति की युवाओं की टोली।
लोहरदगा के किसको प्रखंड में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी गई। स्वावलंबी विकलांग महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ओम प्रकाश सिंह ने दिव्यांगों के बीच सामान का वितरण किया। सिन्हा प्रखंड के कोयल नदी में बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। प्रशासन की मिलीभगत से बालू माफियाओं का हौसला और बुलंद होता जा रहा है। सिन्हा प्रखंड के एकागुड़ी गांव की बंजर की तस्वीर बदल गई है। आज दो युवकों की मेहनत से खेत लहलहा रहे हैं। खेती किसानी से गांव के लोगों को रोजगार मिला है और अब खेती किसानी के एक व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। गिरढ़ी में बस स्टैंड के यात्री शेड में मिला अज्ञात युवक का शव। नगर थाना क्षेत्र की घटना, हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह सुबह लोगों की पड़ी नजर, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। जामताड़ा में मनरेगा में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। रांची से पहुंची सोशल ऑडिट की टीम ने इन गड़बड़ियों को पकड़ा है। टीम ने बड़े घोटाले की संभावना जताई। मनरेगा के तहत बनाए गए कुएं, डोभा, नाली समेत समतलीकरण जैसी योजनाओं में भारी गड़बड़ी सामने आई। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरों के भुगतान में भी हेराफेरी करने का खुलासा हुआ। जामताड़ा में ग्रामीणों ने पुराने तालाब को भरकर खेत बनाने के काम का विरोध किया है। मामला नारायणपुर प्रखंड के कमलपुर गांव का है। और इसी के साथ 150 गांव के 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद भी जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।